So class, today I will start the cooperative organization, the difference between cooperative society and stock, joint stock company. Yesterday I have discussed regarding the management and control. ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस. द प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड इन प्रोपोर्शन टू द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर्स. इन कोऑपरेटिव सोसाइटी अ मिनिमम पार्ट ऑफ सरप्लस मस्ट बी असाइड एज अ रिजर्व एंड फॉर जनरल वेलफेयर टू द पब्लिक. यानी जो डिविडेंड्स की बात कर रहा है, जो कंपनी को डिविडेंड्स पर, जो शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने पैसा कंपनी पर लगा रखा है, तो कंपनी उनको क्या देती है, डिविडेंड्स प्रोवाइड करती है. डिविडेंड होता है कि अगर कोई आउटसाइडर या इक्विटी शेयर, दो टाइप के शेयर होल्डर होते हैं, एक प्रेफरेंस और दूसरा होता है इक्विटी शेयर होल्डर. तो दोनों लोग करते क्या हैं कि इस केस में कंपनी को जितना प्रॉफिट होता है कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, डिविडेंड प्रोवाइड करती है. डिविडेंड को भी हम प्रॉफिट कह सकते हैं. ठीक है, सो वो कंपनी के क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स रहते हैं और कंपनी उनको डिविडेंड देती है. ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग, इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी मिनिमम पार्ट ऑफ सरप्लस मस्ट बी असाइड एज अ रिजर्व. जो मिनिमम पार्ट होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो क्या होता है, एज अ रिजर्व रख लिया जाता है फॉर द जनरल वेलफेयर ऑफ द पब्लिक एंड द रेस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अकॉर्डिंग विद द पैट्रोनेज प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट मेंबर्स आफ्टर पेइंग डिविडेंड अप टू द 10% ऑन कैपिटल. तो नेक्स्ट है आपका शेयर कैपिटल. कंपनी क्या इशू करती है, शेयर्स जारी करती है. ठीक है, बदले में क्या देती है, आपको डिविडेंड प्रोवाइड करती है. ठीक है, तो जो डिविडेंड प्रोवाइड करने का तरीका है वो ये है कि कभी भी कंपनी अगर बिजनेस स्टार्ट कर रही है तो अगर शेयर्स जारी कर रही है तो इसका मतलब ये है कि उसको कैपिटल की नीड है. बदले में कंपनी जो शेयर होल्डर्स रहते हैं उनको क्या प्रोवाइड करती है, उनको प्रोवाइड करती है डिविडेंड. ठीक है, सो वही कह रहा है, इन अ कंपनी वन मेंबर कैन बाय एनी नंबर ऑफ शेयर्स बट एनी इंडिविजुअल कैन नॉट बाय मोर देन 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स और शेयर्स वर्थ ₹1,000 ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. अ पब्लिक कंपनी मस्ट ऑफर्स न्यू शेयर टू द एक्सिस्टिंग मेंबर्स व्हाइल अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इशू न्यू शेयर्स जनरली टू इंक्रीज इट्स मेंबरशिप. द सब्सक्रिप्शन लिस्ट ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज केप्ट ओपन ऑफ फॉर अ न्यू मेंबर्स वेयर एज अ सब्सक्रिप्शन लिस्ट ऑफ कंपनी इज क्लोज आफ्टर सब्सक्रिप्शन. अ कंपनी इज थस कैपिटलिस्टिक इन नेचर व्हाइल अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज सुसीलास्टिक. ठीक है, तो कंपनी जो है कैपिटलिस्टिक नेचर के लिए काम करती है और जो सोसाइटी है वो सोशल नेचर के लिए काम करती है. ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर शेयर्स जारी कर रही है कंपनी तो वो बढ़ भी सकते हैं, जिसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं. और जारी किया था कंपनी ने 10,000 शेयर्स तो आ गए हमारे पास 20,000 शेयर्स. ठीक है, उसमें से कंपनी को कितना शेयर अलॉट करना है वो कंपनी डिसाइड करती है. ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट. द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल व्हाइल द शेयर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बट इट कैन बी रिटर्न. देखिए, कंपनी में आप शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन सोसाइटी के केस में आप शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. ठीक है, कवरेज. अब कोऑपरेटिव सोसाइटी जनरली ड्रॉज इट मेंबरशिप फ्रॉम अ लिमिटेड लोकल एरिया. द मेंबर्स हैव कॉमन वांट्स टू विड्रॉ हिज मेंबरशिप. नेक्स्ट है हमारे पास, कोऑपरेटिव सोसाइटी जनरली ड्रॉज इट मेंबरशिप फ्रॉम अ लिमिटेड लोकल एरिया. द मेंबर्स हैव कॉमन बॉन्ड इन द फॉर्म ऑफ अ कॉमन ऑक्यूपेशन और एम्प्लॉयर और अ लोकेलिटी. इन अ कंपनी मेंबर्स हैव नो सच रिलेशनशिप एंड आर यूजुअली ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड इवन फ्रॉम अब्रॉड. नेक्स्ट है एग्जम्पशन एंड प्रिविलेज. देखो, कंपनी को सबसे ज़्यादा एग्जम्पशंस मिलता है. ठीक है, सो टैक्स में भी एग्जम्पशंस है. कोऑपरेटिव सोसाइटी एंजॉयज सेवरल एग्जम्पशंस एंड प्रिविलेजेस रिगार्डिंग इनकम टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी एटसेट्रा. दिस इज बिकॉज द गवर्नमेंट सिक्स टू इनकरेज द ग्रोथ ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट. ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट, ऐसा सोसाइटी को बहुत सारी क्या रिबेट दी जाती है. तो रिबेट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चाहती है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी बिजनेस क्या हो जाए, एक्सपैंड हो जाए. ठीक है,
नेक्स्ट है आपका नो सच एग्जेम्पशन प्रिविलेजेस एंड असिस्टेंसेस अवेलेबल टू द पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हाउएवर एंजॉयज अ नंबर ऑफ एग्जेम्पशंस एंड प्रिविलेजेस अंडर द कंपनीज एक्ट. जो भी एग्जेम्पशंस उनको मिलेगा, सोसाइटी को जो एग्जेम्पशंस मिलता है वो गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है, लेकिन कंपनी को जो एग्जेम्पशंस मिलेगा, जो रिबेट मिलेगी, वो कंपनीज एक्ट के तहत मिलेगी. ठीक है. सो नेक्स्ट है हमारा गवर्निंग स्टैट्यूट. A company is governed by Companies Act 1956, while a cooperative organization is subject to the provision of Cooperative Society Act 1912. जो companies का जो act है वो 1956 है, आज के डेट में 2013 चल रहा है, लेकिन Cooperative Society का भी अलग act है जिसको 1912 बोलते हैं. ठीक है. और State Cooperative Society Acts. So next है फॉर्मेशन ऑफ अ सोसाइटीज. तो फॉर्मेशंस का क्या तरीका है, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट करने का क्या तरीका है. ठीक है. तो इन ऑर्डर टू गेट कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड एन एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म मस्ट बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ द स्टेट इन विच द सोसाइटी रजिस्टर्ड ऑफिस इज टू बी सिचुएटेड. Any 10% above the age of 18 years and having common interest must submit a joint application for being formed into a cooperative society. The application should contain in the following information. जो कंपनी जब रजिस्ट्रेशन होती है तो उसके लिए भी प्रिस्क्राइब फॉर्म होता है रजिस्ट्रेशन का, रजिस्टर कराना होता है. उसी के थ्रू कॉपरेटिव, उसी की तरह सेम कॉपरेटिव सोसाइटी का भी क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है. रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या मस्ट है, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द सोसाइटी, द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर द सोसाइटी इज बीइंग रजिस्टर्ड, द नेम एंड एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द मेंबर्स, शेयर कैपिटल एंड इट्स डिवीजन. कैसे आप शेयर कैपिटल कितनी लगाएंगे और डिवीजन क्या होगा उसका, या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के थ्रू होगा या इक्वली होगा. मेथड्स ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर एंड टू कॉपीज बाय लॉज ऑफ द सोसाइटी. अ कोऑपरेटिव सोसाइटी में अडॉप्ट मॉडल बाय लॉज गिवन इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग इट्स ओन बाय लॉज. ठीक है. ये भी एक लॉज के थ्रू होता है. ठीक है. लॉज का मतलब है कानून के थ्रू बनता है. ठीक है. सो ऑन द एप्लीकेशन फॉर रजिस्टर्ड अलॉन्ग विद द कॉपीज ऑफ बायलॉज इज सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी विल केयरफुली स्क्रूटिनाइज देम इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट दे आर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस एंड स्पिरिट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट. व्हेन ही इज फुल्ली सेटिस्फाइड इन द कनेक्शन ही विल एंटर द नेम ऑफ द सोसाइटी इन हिज रजिस्टर एंड विल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. देखिए, सारी चीज़ें फुलफ़िल करने के बाद, सारी इंफॉर्मेशन अगर आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट को दे रखा है, तो उसके बाद क्या होता है कि सारी अगर चीज़ें सही हैं, ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो है आपको क्या इशू करता है, सर्टिफिकेट इशू करता है. ठीक है. रजिस्ट्रेशन का. आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन द सोसाइटी बिकम्स अ बॉडी कॉर्पोरेट having a separate legal entity of its own with perpetual succession and limited liability of its members. Now, cooperative society can be registered only when it's satisfied the prescribed conditions. Some of these are follows. So, there must be at least 10 adults member. The member should be bound together by some common interest. That is to say, they may belong to the same occupation, locality and employer. They must put up a joint application of the registrar of cooperative societies. Each member must give an undertaking to buy at least one share. A copy of bylaws must be submitted to the registrar. The management of a cooperative society lies in the hands of managing committee. Members of this committee elected directly by the members at the annual general meeting of the society. The managing committee consists of a number of members who elect from the among themselves the following office bearers: president, secretary, treasurer, vice president, joint secretary, if any. ठीक है. तो इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में इतने मेंबर्स होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, ट्रेजरार है, वाइस प्रेसिडेंट है, जॉइंट सेक्रेटरी है. द जनरल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स लेज डाउन द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी. द मैनेजिंग कमेटी डिटरमाइंस डिटेल प्रोग्राम्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ द सोसाइटी. द कमेटी ऑल्सो गेट प्रोग्रेस रिपोर्ट्स फ्रॉम द ऑफिस बियरर्स एंड इट्स अकाउंटेबल टू द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ मेंबर्स.
जैसे हम कह सकते हैं कंपनीज की जनरल मीटिंग होती है, वैसे सोसाइटी की भी एक जनरल मीटिंग होती है। द ऑफिस बेयरर्स ऑफ द सोसाइटी वर्क मेनली इन एन ऑनरी कैपेसिटी। द एनुअल अकाउंट्स ऑफ द सोसाइटीज आर ऑडिटेड एंड इट्स एनुअल रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा पार्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। किस बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड है, फार्मिंग से रिलेटेड है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो टुमारो आई विल डिस्कस दिस थिंग। थैंक यू।